सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली आज चाइना में रेडमी ने अपना एक नया स्मार्टफोन जो कि है रेडमी का नोट 8 प्रो इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है रेडमी ने, यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ दिया है, चाहे वो कैमरा के डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो प्रोसेसर के डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो बैटरी के डिपार्टमेंट में हो, मतलब रेडमी ने यहाँ पर एक आप लोगों को एक ओवरऑल पैकेज दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को Redmi Note 8 Pro का पूरा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और आप लोगों को कुछ कैमरा सैंपल भी यहां पर दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बन गया है जो कि कमर्शियल बाय करने के लिए अवेलेबल होगा और इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। तो ये पहला स्मार्टफोन बन गया है जो लोग 64 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है 6.53 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले। तो ये एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर अगर शाओमी या फिर रेडमी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन प्राइसिंग को देखते हुए ये मतलब ठीक ठाक चल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा आप लोगों को इस फ़ोन के साथ होने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेगा मीडियाटेक का एक नया लेटेस्ट गेमिंग चिप जो कि मीडियाटेक का हेलियो G90T वाला चिपसेट। इस चिपसेट के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले कई दिनों से सुन रहे थे, G90T जो कि काफ़ी अच्छा चिपसेट है गेमिंग के लिए भी, 12 nm के ऊपर बना हुआ है। तो ओवरऑल गेमिंग का एक्सपीरियंस इस फ़ोन में आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। 6GB 64GB और 6GB 8GB 128GB का आपको इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसकी तरफ यहाँ पर आप जा सकते हैं। एंड्रॉइड का 9 मिलेगा और आपको MIUI 10 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फ़ोन की कैमरा की, क्योंकि ये भी एक हाईलाइट फीचर्स है इस फ़ोन का। यहाँ पर आपको मिलेगा बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप, मतलब 4 कैमरा आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है f1.7 अपर्चर के साथ, साथ में आपको सैमसंग का GW1 का सेंसर भी मिल जाएगा। और सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलने वाला है। जो दो कैमरा, एक है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। तो जो आप लोगों को रिसेंटली में देखा है रियलमी के 5 प्रो में, तो सेम कैमरा का यहाँ पर सेटअप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट का स्क्रीन आपको बैक साइड में मिलेगा, तो इन डिस्प्ले नहीं है क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को शाओमी नहीं दिया है। और 3.5 mm ऑडियो जैक भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बात है। USB टाइप सी पोर्ट को सपोर्ट करता है, NFC भी आपको मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी मिलेगा, जी हाँ 4500 mAh की बैटरी मिलेगा। और आप लोगों को इन बॉक्स 18W का यहाँ पर चार्जर भी मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन क्विक चार्ज 4+ को भी सपोर्ट करता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस फ़ोन की प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है 6GB 64GB 14,000 में। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 6GB 64GB आप लोगों को मिलेगा 14,000 में, जो कि एक किलर प्राइसिंग है। और जो 6GB 128GB है वो आपको मिलेगा 16,000 में, और जो 8GB 128GB है वो आपको मिलेगा लगभग 18,000 में। और मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में ये काफ़ी कमाल का यहाँ पर बात होने वाला है। और कुछ कैमरा सैंपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे फोटोग्राफी यहाँ पर आया है। और डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन आएगा ये इंडिया में जो रियलमी का XT है और रेडमी के नोट 8 प्रो में काफ़ी अच्छा टक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइसिंग तो मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर रखा है यहाँ पर, अब देखते हैं कि इस प्राइस पॉइंट में ही इंडिया में आता है या फिर इंडिया में वो लोग कोई नए प्राइसिंग के साथ यहाँ पर लाता है। अगर मैं मानता हूँ तो 15,000 के नीचे ही रखता है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर ये डील लोगों के लिए बन पाएगा। ओवरऑल फ़ोन का पैकेज काफ़ी ज़बरदस्त है और डेफिनेटली प्राइसिंग तो काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पर रेडमी ने रखा है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।